देखिए, कांग्रेस इस समय अपनी मूल अपराधीकरण की प्रवृत्ति पर उतर आई है। हार की जीत के कारण कांग्रेस जगह जगह पर गुंडागर्दी करने का जो प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है। इस बार हमने किसी प्रकार की गड़बड़ियां होने नहीं दी। कार्यकर्ता ताकत से मैदान में उतरा है, तो चाहे डिमरी हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे सीधी हो, किसी भी कोने में कड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति जो लोगों को चुनावी मैदान में उन्होंने उतारा, जिनके ऊपर इनाम जारी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस हार की खींच के कारण से इस प्रकार की घटनाएं कर रही है, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासन के साथ, शालीनता के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। कांग्रेस व्यवधान डालने का प्रयास करेगी कि वोटिंग व्यवधान बाधित हो, जो हमें इसको कुशलतापूर्वक निकालना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिल रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता का आशीर्वाद विकास और गरीब कल्याण के साथ है। और जिस प्रकार से लाडली बहनों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को जो समर्थन बूथ बूथ पर पहने, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही और लाडली बहना आज इतनी बड़ी ताकत में बूथों पर पहुंची है। कमलनाथ स्वयं चुनाव हार रहे हैं। राधोगढ़ में दिग्विजय सिंह जी भी, उनके बेटे भी क्रीम बोल्ड हो रहे हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं और अपराधीकरण की ओर वो प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव कैसे बाधित हो। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता सजग प्रयोग से खड़ा है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।